अगर आप कभी एक मीमी मटेरियल बन जाते हो तो वो जो फेम होता है वो 4 दिन की चांदनी होती है, और उन 4 दिन के बाद कोई नहीं पूछता। शायद इस बात को भली भांति समझते हैं पैराग्लाइडिंग गाय विपिन साहू, इसीलिए वो इस 4 दिन की चांदनी को इतनी आसानी से ख़त्म करने के मूड में नहीं है। और अब पहले तो वो रोडीज पे गए और उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि मैं वही हूँ पैराग्लाइडिंग वाला, वो भाई लैंड करा दे। एक बार फिर से लोगों को याद आ गया कि भैया ऐसा भी एक मीमी था, और अब वो पहुँच गए हैं शहनाज गिल के हस्बैंड बनने कलर्स टीवी के रियलिटी शो पर। तो इन दोनों शोज पर पहुंचकर उन्होंने एक बात तो साफ बता दी कि उनके पीछे जो पीआर टीम है वो पूरा काम कर रही है कि जो उनको 4 दिन की चांदनी मिली थी उसको कम से कम 40 दिन की करने की तरफ उनका पूरा ध्यान है, और उनकी कोशिश है कि लोग इतनी जल्दी उनको भूले ना। जब रोडीज पर जाके उन्होंने जजीज को याद दिलाया कि वो वही है पैराग्लाइडिंग वाले, तो जजीज भी उनके फ़ैन हो गए। उनको याद आया कि भैया उस वीडियो को देखकर हम कितनी बुरी तरह से हंसे थे, और उस वीडियो के बारे में ही पहले उनसे चर्चा हुई, ऑडिशन उनका बाद में हुआ। हालांकि इनिशियल राउंड में रोडीज में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन वो कलर्स चैनल पर भी पहुँच गए, और कलर्स चैनल की जो शूटिंग है 2 दिन पुरानी है। तो ऐसी उम्मीद है कि उनको इनिशियल राउंड में सेलेक्ट करने के बाद रोडीज से बाद में निकाल दिया गया। शायद उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि वो मेन कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट कर सके। लेकिन शहनाज गिल के वो हस्बैंड बनने कलर्स टीवी पर पहुंच गए हैं, देखना होगा वो इस शो में कितने दिन टिक पाएंगे। शहनाज गिल का जो ये शो है, शहनाज गिल और पारस छाबड़ा का मुझसे शादी करोगी, इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी किया था शहनाज गिल के पिता ने कि उनकी बेटी की जो इमेज है वो तो कैटरीना कैफ जैसी है, लेकिन जो चैनल है उनकी बेटी को राखी सावंत जैसा बनाने पर तुला है, इस तरह का स्वयंवर उनकी बेटी का क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है शहनाज गिल को कहा जाता है पंजाब की कैटरीना कैफ, और जिस तरह से ये स्वयंवर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, स्वयंवर जितनी भी हीरोइनों का आज तक ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बाद उनका कोई करियर नहीं रहा। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे इस तरह के स्वयंवर के जितने भी रियलिटी शो इंडिया में हुए हैं उसके बाद उनको कितना काम मिला है ये बात आप खुद भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं शहनाज के पिता ने बड़ी वाजिब बात उठाई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के करियर को लेकर चिंतित है, वो चाहते हैं उनकी बेटी का करियर आगे बढ़े। लेकिन शहनाज शायद बिग बॉस के घर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, और इसलिए वो ये शो कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।